नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं घास को ख़त्म करने वाली दवाई के बारे में। दोस्तों, अब जो धान का सीज़न आ गया है और धान के सीज़न में यूपी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि गेहूं कटाई के बाद हम खेत खाली छोड़ देते हैं और उसमें काफ़ी घास हो जाती है और कुछ लोग जोताई भी कर देते हैं, परंतु जो मेड़ के किनारे साफ़ नहीं हो पाते खेत, उनमें घास अधिक देखने को मिलती है। जिस तरीके से ये है तो इसको साफ़ करने के लिए काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे पहले यदि हम इस पे घास ख़त्म करने वाली जो दवा है उसका छिड़काव कर देते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इसलिए मैं आज कुछ दवाओं के बारे में बताऊंगा। दवा तो लगभग एक ही होती है, लेकिन कंपनी डिफरेंट होती हैं। जिस कंपनी की अच्छी क्वालिटी मिले वह हमें ख़रीद लेना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल EOSDF एग्रीकल्चर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, खेत में किसी भी प्रकार की घास हो तो हम हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। हर्बिसाइड मतलब हिंदी में खरपतवार नाशक। इसकी स्प्रे की जाती है, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये राउंडर 71 है और एक और आता है मेरा 71 नाम से। तो कंपनियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन उनमें जो कंटेंट होता है, साल्ट का कंटेंट होता है, वो सेम ही होता है। इसमें भी अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट 71% है, जो कि हमारे खेत में अनचाहे खरपतवार को नष्ट करता है। ये एक तरफ से हर प्रकार की घास को ख़त्म करने के काम में आती है, इसलिए इसको फसल में हम नहीं छिड़कते, और यदि छिड़कना पड़ता है तो हम फसल को बचाकर स्प्रे करते हैं। दोस्तों, ये जो खरपतवार नाशक हैं, इनको यूज करते समय काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी दुकान से या हम किसी से लेके आएँ तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त उनसे कर लेनी चाहिए। किस प्रकार से स्प्रे करनी है, कितने पानी में मिलाना है, कंटेंट कितना रखना है एक टंकी में, इसी तरीके से जो भी हम इसका सलूशन बनाए उसके बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त करें। इसके अलावा सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के पीछे उसके प्रयोग की विधि को मेंशन कर ही देते हैं, फिर भी दुकानदारों से और अच्छी तरीके से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।